हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे हो। तो आज हम भाई सुजुकी की जिक्सर, तो इसमें एक इंजन में साउंड आ रहा है, टक 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 जैसे साउंड होती है वो साउंड आ रहा है। तो मैं आपको चेक कर जाता हूँ, ये देखो स्टार्ट करके। गाइस ये साउंड है, इसके अंदर ऐसा साउंड आ रहा है। तो इसमें बताऊंगा किस चीज़ की दिक्कत है, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी क्या चेंज करना पड़ेगा और किस चीज़ की आवाज़ है। तो गाड़ी ऑफ कर दीजिए, दोबारा चेक कराओ। तो गाइस आपने सुन ली होगी आवाज़, कैसी आवाज़ आ रही है, बहुत गंदी आवाज़ है। तो मैं आपको चेक कराता हूँ किस चीज़ की है। तो गाइस आपने आवाज़ सुन ली, मैंने आपको आवाज़ भी चेक करा दी। तो सुजुकी जिक्सर ऐसा सही है, तो मैं आपको चेक कराता हूँ इसमें क्या है। ये दो तीन जो भैया है, जो बाइक वाले भैया है, ये दो तीन जगह गए, आज कंपनी गए, बाहर हो गए, तो उनको तीन चार तरह की आवाज़ बताई। कोई कह रहा करंट है, कोई कह रहा पिस्टन की आवाज़ है, कोई कह रहा किसकी आवाज़ है। तरह तरह की बात बोली गई, तरह तरह की आवाज़ बताई गई, लेकिन इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। इसमें दिक्कत सिर्फ टेंशनर होता है जो हमारे इंजन में होता है। तो टेंशनर की साउंड है, मैं आपको दिखा दूँ। देखो ये रहा, ये हो पार्ट जेनुइन है, और जेनुइन है कितने का, देखो कितने का है, एमआरपी आप चेक कर सकते हो। तो ये पार्ट है जिसे टेंशनर कहते हैं, चैन टेंशनर होता है जो हमारे इंजन की, तो चैन होता है उसको टाइट करके रखता है। जो चैन जो जब ये खराब हो जाता है तो ऐसा साउंड निकालता है, टक 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 का आवाज निकालने लग जाता है। तो ये जेनुइन पार्ट है, देखो कितना कॉस्टली भी नहीं ज्यादा, ये काफी किफायती दाम पे है और सस्ता है काफी, और कंपनी का जेनुइन सुजुकी का अपना है ये। तो इसका इंजन भी सही है, पिस्टन की आवाज भी नहीं है, कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये पार्ट डलेगा अंदर से, धातु निकाल के आपको ये देखिए आप, ये है पार्ट, ये छोटा सा पार्ट है जो साउंड कर रहा है, लगता है इंजन में ये, लेकिन ये इंजन से रिलेटिव साउंड है, ये इंजन से बाहर नहीं है, कि बाहर का कोई साउंड है, इंजन से रिलेटिव है ये। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो चेंज करके दिखाता हूँ। पहले हम खोल लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं कैसे फिट होगा। तो पहले खोलने का जो प्रोसेस है मैं आपको दिखा दूँ पहले। तो गाइज ये जो टेंशन लगा होता है, ये जो इस गाड़ी में जो सुजुकी की जितनी बाइक है, जो जहाँ जो ये पार्ट जो मैंने आपको दिखाया, जो टेंशन जो लगा रहता है, ये हमेशा लेफ्ट साइड में लगा होता है। तो ये देखो ये इसका लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में देखो इस जगह लगा होता है, जहाँ जहाँ हम गियर लगाते हैं ना सुजुकी जिक्सर है ये ऐसा। तो ये देखो लेफ्ट साइड जहाँ गियर लगा होता है हमारा, देखो गियर लीवर वगैरह ये रहा। इसके ऊपर जहाँ हम जाओगे, जहाँ देखो जो जो पेट्रोल टी वाला एरिया है, जो जहाँ पेट्रोल लगाता है उसके नीचे वाले एरिया में देखोगे, तो देखो ये पार्ट ये लग रहा, पास करके दिखाता हूँ मैं आपको। टेंशनर कहते हैं इसको, तो इसको मैं खोल लेता हूँ, फिर खोल के आपको फिर चेक करके दिखाता हूँ। आठ नंबर का फाना लगा के खोल लेंगे इसको। तो गाइस इसमें दो बोल्ट लगे होते हैं सिर्फ, और कोई ज़्यादा लंबा काम भी नहीं है ये। तो ये हमने दोनों बोल्ट निकाल लिए बाहर, अब इसको बाहर निकाल लेंगे। ये निकल गया बाहर, ये देखो ये रहा, इतना छोटा पार्ट होता है। तो खोलने का प्रोसेस दिखा दिया मैंने, खोलने के लिए कोई लंबा काम नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगा, पाँच मिनट भी नहीं लगे होंगे हमें मुश्किल से। तो ये पार्ट है ये ना अंदर ना फूस हो जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अंदर फुस हो जा रहा है। तो ये ना इसलिए खराब हो चुका है, अंदर चला जाए तो इससे मतलब खराब हो रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे। नया पार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, जो मैंने आपको दिखाया था पहले, ये रहा नया, कलर का थोड़ा डिफरेंस है, ये ब्लैक है, ये सिल्वर है, तो यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो इसको हम डाल के चेक करते हैं साउंड में क्या फर्क आता है। ये देखो ये फिलहाल ये पत्ती लगा रखी है कंपनी ने,
अगर हम देखो ये इतना निकलता है बाहर, जितना ये बाहर निकला हुआ है, तो मैं आपको अभी बाहर से भी चेक करा दूँ। देखिए ना, ये ऐसे लगा होता है, ये ऐसे लगा होता है, तो जैसे हम इसको हटाएंगे तो ये देखो बाहर निकलेगा। ध्यान से देखना कितना बाहर आ गया। तो ये चैन को हमारे टाइट करके रखता है, पुश करके रखता है, चैन को दबा कर रखता है, और चैन हमारी राउंड से घूमती रहती है। तो इसको हम दोबारा पहले की तरह से टाइट कर देते हैं, लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। पेचकस लेके आओ जरा, तीन पेचकस। तो इसको हम दोबारा जैसे पैक था वैसे पैक कर देंगे, पेचकस की मदद से इसे टाइट कर देंगे। देखो धीरे धीरे अंदर जा रहा है, चला गया अंदर। फिर हम इसका जो लॉक पत्ती है ये, इसको लगा के यहीं सेट कर देंगे। ये हमने लगा दिया, इसको थोड़ा सा हम हल्का हल्का बोर्ड में लगा के चिपका के फिर लगाएंगे। तो एना बोर्ड ले लेते हैं हम। हल्का हल्का लगा लेंगे ताकि हल्के फुल्के अगर लीकेज वगैरह होगी तो उससे रुक जाएगी। अब ऐसे भी लगा लेना चाहिए, यहाँ भी लगा लेंगे हल्का हल्का। अब इसको पैक करेंगे। देखो ये हमने लिया ऐसे और इसको अपनी जगह पे, देखो ये सीट दिख रहा होगा आपको, पास करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसको हम इसमें डाल देंगे और इसके जो बोल्ट हैं बोल्ट टाइट करने हैं बस। तो मैं पहले की तरह जैसे हमने खोला था वैसे टाइट कर देंगे, कर देंगे इसको। तो गैस ये सही से टाइट करना है, लूज बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसको। तो पहले पानी की वजह से टाइट कर लेंगे पाना से, और उस साइड तो पाना चलेगा नहीं हमारा। तो इसके लिए मैंने देखो ये गोटी ली है, आठ की गोटी, ये छोटा सा इसका जो चल रहा है जो हेल्पर रोड ये लगा के, और ये रोड इसकी पतली वाली जो इसमें लगेगी, इस टूल की मदद से टाइट कर देंगे। ये टाइट उस साइड का टाइट हो गया, अब ये इस साइड का भी टाइट कर देंगे बढ़िया तरीके से। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम लूज कर देंगे ये पत्ती डाल के, ये टाइट हो गया हमारा। तो इसे पीछे को सही से टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। हो गया हमारी कंप्लीट फिटिंग। अब क्या करना है हमें, जो हमारे पुराना टेंशनर है इसकी रबड़, क्योंकि इसके साथ ना रबड़ नहीं आती, नायल के साथ रबड़ नहीं, तो ये रबड़ होती है ऊपर की जो इस जगह लगती है, इसके ऊपर लगती है, तो रबड़ जरूर लगा लेंगे। इसको निकालना है, आसानी से निकल जाता है ये। इसका जरूर ध्यान रखना आपको, कितनी बार मिस हो जाती है, तो उसको ध्यान से और इसको लगा देंगे पुश करके पीस कर इसकी मदद से। तो गैस ये देखो इधर पास करके दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल फिट हो गया, रबड़ी भी लग गई, बोल्ट भी टाइट हो गया। अब चेक करते हैं इसका साउंड। तो गैस हमारी जो टेंशन की जो फिटिंग थी, जो प्रोडक्ट जो हमने आपको दिखाया था उसकी फिटिंग कर दी। अब इसका साउंड चेक करते हैं कैसा साउंड निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी को।
स्टॉप कर दो। तो गाइस इसका अब हम इसके साउंड चेक करेंगे, तो साउंड चेक करते हैं। तो गाइस अब इसके साउंड बिल्कुल बंद हो चुके हैं, आवाज़ बिल्कुल मक्खन हो गई इसकी, मक्खन कपास लग गया हूँ, कपास बना दिया। तो गाइस ये देखो आवाज कितना अच्छा साउंड आ रहा। गैस आपने देख लिया कितना छोटा सा काम था और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, ना इंजन की आवाज़ थी, ना पिस्टन की, ना वाल्व की, सब कुछ सही था। क्योंकि सुजुकी गाड़ी का इंजन बहुत ही कम मैंने देखा खुलते हुए, तो कभी भी, क्योंकि जो इनके जो पार्ट इंजन के काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी किफायती हैं, तो चलते हुए जाते हैं। तो इसका सिर्फ टेंशन की दिक्कत थी जो मैंने आपको दिखाया था, ये पार्ट ख़राब हो चुका था बिल्कुल, जिसको हमने चेंज कर दिया और इसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।